chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The One Man Abroad, Asim Bhardwaj. Kaise hain aap sab log? Happy weekend to all of you. Aur ye video hai aapke liye, the current situation in Thailand. इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारे जबरदस्त अपडेट्स हैं। एक दो खुशखबरी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि वीजा एक्सटेंड हो गया इंडियंस के लिए, उसके बाद सबसे बड़ी की रिस्ट्रिक्शन सारी हटा दी गई हैं। लेकिन इस वीडियो में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, तो बने रहें, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, गिव दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वन मैन अब्रॉड। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हर बारी की तरह इस वीडियो के अंदर मैं शुरू करूंगा कोविड केसेस से। ये डेटा है फ्राइडे का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो नए केसेस आए हैं फ्राइडे को आए हैं 752 केसेस। यहाँ पे 9 मौतें हो चुकी हैं एक दिन के अंदर फ्राइडे को, 9 डेथ्स पर रिपोर्टेड। टोटल केसेस हैं कंट्री में 46,77,090, 40,77,090। रिकवरीज हैं यहाँ पे 40,36,163, 46,36,163। मेडिकल ट्रीटमेंट जिन लोगों का चल रहा है वो है 8,235। बूस्टर डोज का जो प्रोग्राम है वहां पे चल रहा है बच्चों के लिए इस वक्त, खासकर जो लोग 5 साल से 11 साल के बीच में हैं बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी वेदर की, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। खासकर ये कुछ महीने हैं नवंबर तक जहां पे रेनफॉल जो मौसम है वेट रहता है। तो बैंकॉक के अंदर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये टेम्परेचर है जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करके रखा है, और ये मतलब कि मोस्टली रेनी है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है आने वाले अगले हफ्ते के अंदर जहां बारिश नहीं है बैंकॉक में दिखा रहा। फिर दूसरा आप देखें फुकेट के बारे में, और यहां पे भी मतलब जो है मोस्टली रेनी है जितने भी अगले 7 दिन हैं आने वाले। और पटाया की बात करूं तो यहां पे भी मोस्टली रेनी है आने वाले अगले 7 दिनों में, मतलब कि अक्टूबर 1 तक रेनी ही रहेगा वेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रैवल अपडेट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा मेजर अपडेट इस हफ्ते का कि गवर्नमेंट ने फाइनली जो है आपका वीजा एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कि अब 15 दिन की बजाय आपका स्टे पीरियड रहेगा यहाँ पे 30 दिनों का, स्टार्टिंग अक्टूबर 1st अंटिल मार्च 2023, और मार्च के बाद अगले साल एक्सटेंड होता ही नहीं होता, गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसके बारे में कोई भी हम आपको चीज या क्लैरिटी नहीं दे सकते इस वक्त, पर आप के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं। वीजा फ्री के बारे में बात करूं तो कोई अपडेट अभी यहां पे नहीं है, हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। चांसेस इस साल मुझे कम लगते हैं, लेकिन अगर कोई खुशखबरी आती तो आपको जरूर बताएंगे। अगला अपडेट यहाँ पे यह है कि CCSA ने इमरजेंसी डिक्री को विड्रॉ कर लिया है कंट्री के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी किस्म किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई थी ट्रैवलिंग को लेके वो सब हटा दिए हैं। इनफैक्ट अब जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो भी एंटर कर सकते हैं कंट्री में। तो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि कोविड इन्फेक्टेड पीपल कैन एंटर थाईलैंड नाउ। ठीक है, तो सिवियरिटी है बीमारी की कोविड की वो बहुत माइल्ड है ड्यू टू गुड वैक्सीनेशन रेट, और मास्क जो है अभी भी लोगों को पहनने क्राउडेड एरियाज के अंदर उनको इनकरेज किया जा रहा है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है मास्क पहनने। कोई भी एंटीजन टेस्ट या आइसोलेशन उन लोगों का नहीं होगा जिन्हें कोविड भी होता है या माइनर या माइल्ड सिम्टम्स हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपको यूजली पहले क्या होता था कि आइसोलेट कर देते थे, फिर उसके बाद एंटीजन टेस्ट करना पड़ता था 5वें दिन, तो वो भी इन्होंने एलिमिनेट कर दिया यहां से, मतलब अक्टूबर 1 ऑनवर्ड से। कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, मतलब ये कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर उसकी मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो आपको सिर्फ रिटर्न फ्लाइट फेयर्स और होटल की बुकिंग्स दिखानी है, वीजा अराइवल लेते हैं सफिशियंट फंड्स होना चाहिए, तो वीजा आपके पास स्टिकर वीजा होना चाहिए, बस ये ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस अभी भी जरूर लेके चलें, चाहे उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट यूजफुल रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि वेदर रेनी है और फ्लड्स भी बीच में कई सिटीज में रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहां पे जो बैंकॉक की मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि फोन से भी खुल सकती है, और आप क्या है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं उस साइट के थ्रू, उस ऐप के थ्रू, मतलब प्लेसेस के बारे में, मतलब कौन कौन सी जगह पे ट्रैफिक जैम है या कहाँ पे फ्लड्स हैं इस बारिश की वजह से, वो सब आप रियल टाइम चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू।
बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारा डेटा जो है सीसीटीवी से कैप्चर्ड है, मतलब कि रियल टाइम डेटा सीसीटीवी से इस वेबसाइट पे आ रहा है और आप देख सकते हैं कि कहां कहां पे ट्रैफिक है, फ्लड्स हैं या कहीं एक्सीडेंट हुआ हुआ है, कहीं ट्रैफिक जैम है, वो सब चीज़ें आप इस साइट के थ्रू देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और यहाँ पे अभी जितने भी मोस्टली एयरलाइंस डोमेस्टिक कैरियर्स हैं उन्होंने नया कैंपेन शुरू किया है, डिस्काउंट्स ऑल ओवर द स्काई, फ्लाई ऑल ओवर थाईलैंड। और इसके अंदर क्या है कि एक इंडिविजुअल बुकिंग पे आप 300 बाट का मतलब कि डिस्काउंट ले सकते हैं फ्लाइट पे। तो अगर आप थाईलैंड विजिट करते हैं या डोमेस्टिकली आप कहीं पे भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बाई एयर, तो आपके लिए अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत अच्छा मौका है डिस्काउंट्स लेने का, ये 300 बाट का पर फ्लाइट। आगे बात करते हैं, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड और थाई एयरलाइंस ने एक्चुअली इसके रिलेटेड जो है, इन स्पेशल ऑफर्स के रिलेटेड जो है एक टाई अप किया है एक्चुअली टू स्टिमुलेट डोमेस्टिक टूरिज्म दिस ईयर। तो इसमें जो 6 एयरलाइंस हैं जो कि अब आपको 300 बाट का डिस्काउंट ऑफर करेंगे 500,000 सीट्स पे, तो 500,000 सीट्स पे डिस्काउंट अवेल किया जा सकता है। अक्टूबर 10 से पहले जो है आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं कि अगर कोई वहां पे है या कोई हाल फिलहाल में जाने लगा है तो वो डिस्काउंट जरूर लें, ऑनलाइन बुक करें फ्लाइट्स, ठीक है। जो आपका जो ट्रैवल पीरियड है वो रहेगा नवंबर 1 से लेकर दिसंबर 31, 2022 तक, ओके। ये जो एयरलाइंस हैं आपको जिन पे डिस्काउंट मिल सकता है, बैंकॉक एयरवेज, थाई एयर एशिया, थाई स्माइल, नॉक एयर, थाई लॉयन एंड थाई वेजेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, और इस बार मैं बात करना चाहता हूँ कैनबिस इन थाईलैंड। तो मतलब कहने का ये कि जो अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं आपका, तो जून के अंदर इन्होंने कैनबिस की कंजम्पशन को लीगलाइज किया कंट्री में, कि लोग घर पे भी उगा सकते हैं, दे कैन ऑल्सो स्मोक इट एट होम। लेकिन उसके बाद जब ये बिल पास हुआ तो इमीडिएटली 3,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, कन्विक्ट किया गया कि उन्होंने कैनबिस यूज किया, लेकिन वो बात अलग है कि बाद में उन्हें रिलीज भी किया गया। तो यहाँ पे जो अभी करंट रूल्स एंड नॉर्म्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताया था, यहाँ पे जिसकी एज 20 साल की है या 20 साल से ऊपर की है, दे कैन पोजेस एंड यूज कैनबिस बट विद सम रूल्स। पहली चीज तो ये है कि दे कैनॉट ओपनली स्मोक कैनबिस इन पब्लिक। तो यहाँ पे 25,000 का फाइन लग सकता है और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीनों के लिए। कैनबिस को यूज किया जा सकता है कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, और कैनबिस इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं थाईलैंड में, तो उनका भी जो यूज है, कंजम्पशन है, वो लीगलाइज्ड है। कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके अंदर THC 0.2% है, उससे नीचे है अगर, या उतना है 0.2%। अब ये THC क्या है, बेसिकली ये कोई एलिमेंट है जो कि कंपाउंड कह सकते हैं आप इसको, कि जो कि नशा करता है लोगों को, ठीक है ना, इसके अंदर यू नो पीपल गो हाई। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 0.2 THC की वैल्यू का है या उससे नीचे का है तो वो लीगलाइज है, लेकिन उससे ऊपर अगर है कोई वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की तो वो लीगलाइज नहीं माना जाएगा। तो चलिए अगले अपडेट की यहाँ पे बात करते हैं। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने एक और कैंपेन स्टार्ट किया है, मतलब कि इसका नाम है क्रिएटिव हिस्टोरिकल ट्रैवल रूट्स। तो इसमें क्या है, बेसिकली इस कैंपेन के थ्रू वो थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, और जितनी भी इन साइट्स के आसपास कम्युनिटी रहती हैं या जो शॉप्स चलाते हैं उनकी इनकम रेज करना चाहते हैं। तो इसको सामने रखते हुए टैट ने ये प्रोग्राम नया शुरू किया है, और ये नवंबर से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर जो हिस्टोरिकल ट्रैवल रूट इन्होंने बनाया है वो शुरू होगा अयोध्या से, और उसके बाद ये होगा इफ़ आई कैन रिकॉल दवारावती हिस्टोरिकल रूट। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जो कि सुफानबुरी और रचनाबुरी प्रोविंसेस में पड़ता है। एक लावो हिस्टोरिकल रूट है जो कि लॉपबुरी प्रोविंस में पड़ता है। तो इन 3 प्रोविंसेस के अंदर हिस्टोरिकल रूट शुरू किए जाएंगे, प्रमोट टूरिज्म टू जनरेट इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड इंक्रीज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थाई हिस्ट्री। अगला अपडेट है टूरिज्म अपडेट्स में आपके साथ और शेयर करने लगा हूं वन बाय वन, बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे सामने। तो यहाँ पे थाईलैंड जो है दे ट्राइंग टू कॉल रशियन टूरिस्ट, और स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स इनके लिए शुरू की जा रही हैं इस सीजन के अंदर, जब अभी तो ऑफ सीजन है, लेकिन आने वाले कुछ 1-2 महीने के अंदर चार्टर्ड फ्लाइट्स रशियन सिटीज से चलेंगी थाईलैंड में। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इस वक्त टोटल सिंस स्टार्टिंग ऑफ जनवरी अंटिल टुडे 5 मिलियन लोगों ने थाईलैंड में
विजिट किया है और इस महीने सितंबर की मैं अगर बात करूं यहाँ पे 1 मिलियन लोगों ने और विजिट किया है। फुकेट की अगर मैं थोड़ी यहाँ पे बात करूं टूरिज्म की, तो द गवर्नमेंट ऑफ फुकेट बिलीव्स कि टूरिज्म इज बाउंसिंग बैक, मतलब कि इट इज रिस्टोरिंग नाउ, मतलब कि जो टूरिज्म पहले था प्री कोविड टाइम की मैं अगर बात करूं कोविड से पहले की, तो उसके कंपैरेटिवली अभी इम्प्रूव होना शुरू हुआ है टूरिज्म फुकेट में। वेल, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं इसके बारे में बात करूंगा कि हाउ इज द टूरिज्म इन फुकेट एंड व्हाट इज द रियल पिक्चर अबाउट इट। लेकिन जो गवर्नमेंट क्लेम करती है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 84% डोमेस्टिक पैसेंजर्स जो हैं उनका अराइवल बना हुआ है, जो कि पहले का भी था मतलब पैंडेमिक शुरू होने से पहले, और 40% इनमें से जो है लोग मिडल ईस्ट और इंडिया से विजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर भी अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो द नंबर ऑफ एक्चुअल फ्लाइट्स इनटू फुकेट एंड थाईलैंड जनरली इज लेस देन 50% ऑफ द शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। तो अगर आप प्री कोविड टाइम में चले जाएं देखें तो फ्लाइट्स की कैपेसिटी बहुत हाई थी, इट वॉज वेरी मच इन डिमांड, लेकिन अभी भी जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं उनका रेट अगर आप देखें वो है 50% के आसपास कुछ बना हुआ। खैर, इसके बारे में मैं डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बात करने लगा हूँ। और फुकेट गवर्नमेंट ये भी बिलीव करती है कि चाइनीज टूरिस्ट के लिए फुकेट भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन था, हॉलीडे डेस्टिनेशन, तो दे होप दैट चाइनीज विजिटर्स वुड ऑल्सो रिटर्न बाय द नेक्स्ट ईयर। आगे हम बात करते हैं कि जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है वो भी बहुत सारे इवेंट्स रन करने लगी है फुकेट में आने वाले कुछ महीनों में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बीच में। और इतना ही नहीं बल्कि थाईलैंड की गवर्नमेंट इस वक्त और टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड खासकर जो है जापानीज टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कैंपेन्स जो हैं वो रन करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और एक कैंपेन जो है जिसे वो पहले स्टार्ट करेंगे वो है इट्स टाइम टू गो टू थाईलैंड, तो ये भी एक अपडेट हो गया। इसके बाद इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जितने भी लोग जापान से मतलब कॉर्पोरेट विजिट्स के लिए आना चाहते हैं उन्हें टारगेट करेंगे, जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें टारगेट करेंगे, जो सोलो ट्रैवलर्स हैं उन्हें टारगेट करेंगे, जो फैमिली हैं ग्रुप्स हैं उन्हें भी टारगेट करेंगे। चैलेंज यहाँ पे है टैट के सामने कि इट इज स्ट्रगलिंग विद अ वीक येन इस वक्त, तो मतलब कि येन भी काफ़ी गिरा हुआ है अगर देखा जाए डॉलर्स के कंपैरेटिवली, काफ़ी करेंसीज गिरी हुई हैं इस वक्त, डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर फॉर सम रीजंस। तो ये एक चैलेंज पोज करती है चीज़ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के सामने बिफोर दे रन दिस कैंपेन इन जापान। नेक्स्ट अपडेट ये है कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज गुड टू नो, तो जो लोग थाई नेशनल्स हैं आपको पता है कि कंबोडिया के बॉर्डर्स जो हैं काफ़ी बॉर्डर्स, कम से कम तकरीबन 7 बॉर्डर्स होंगे जो थाईलैंड को लगते हैं। अब इसमें से कुछ लिमिटेड बॉर्डर्स ही हैं जो खोले जाएंगे थाई नेशनल्स के लिए, जिन्हें अब एक स्पेशल स्कीम के थ्रू मतलब कि पास इशू किया जाएगा। उसका मतलब यह है कि वो पास के थ्रू कंबोडिया एंटर कर सकते हैं। कंबोडियन गवर्नमेंट सियाम रीप का जो टूरिज्म है उसे प्रमोट करना चाहती है और उसको सामने रखते हुए थाई नेशनल्स के लिए उन्होंने पास इशू करना शुरू किया, जिसके अंदर उन्हें पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं अपने साथ और पास के थ्रू जो है वो एंटर कर सकते हैं कंबोडिया के अंदर। तो ये थे कुछ अपडेट इस वीडियो में, द करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो में। बहुत बहुत मुबारक आपको कि फाइनली रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कोविड की कंट्री में ख़त्म कर दी गई हैं और वीज़ा का एक्सटेंशन मिल गया। मैं ये समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि इंडियंस जो हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए थाईलैंड नहीं जाते, कोई 4-5 दिनों के लिए जाता, कोई मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए, कोई 10 दिनों के लिए जाता है। इट डजेंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है थाईलैंड में 30 दिनों के लिए मतलब रुकने का, इट्स नॉट बैड। लेकिन वीज़ा फ्री के बारे में जब भी कोई न्यूज़ आती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में आप बताएं। लेकिन इस साल टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे से आप पर्सनली पूछें तो चांसेस थोड़े यहाँ पे कम बने हुए हैं। एनीवेज, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, गिव दिस वीडियो लाइक थम्स अप और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।